पाय लागू बाबा। आशीर्वाद चाहते हो? वो तो हमेशा मेरे साथ है। आशीर्वाद दिल से दिया जाता है। हमारा दिल तो तुम्हें कुछ नहीं मानता। इसीलिए तो आपके पास आया हूं बाबा, सर झुका के माफी मांगने और ये कहने कि मैं वापस आना चाहता हूं। अजीब लगते हैं कुछ शब्द कानों को, यकीन नहीं होता कि ये हम सुन रहे हैं। माफी वापस बाबा, मैं समझ सकता हूं गलती की है मैंने। गलती नहीं, गलतियां माफ करने की आदत हमारी नहीं है मनु, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। वक्त नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए। जाओ अब। बाबा बस एक मौका, बस एक और मौका दे दीजिए, फिर भी अगर आपको कोई शिकायत हुई तो बेटा हूं आपका, मेरी रगों में आपका ही खून दौड़ता है। रिश्ते समझा रहे हो तुम हमें, खून की दुहाई देने चले आए। कहा था उस वक्त वो खून, जब मेरा खून करने के लिए माया के हाथ में बंदूक देके चले आए थे तुम अभिमन्यु। और ठीक है, तुम मौका चाहते हो ना, देंगे, पर मेरी दो शर्तें हैं। मान सकोगे? आप बोलिए। प्रवीण बेटे जैसा था हमारा, कर दिया उसे हमारी ही आंखों के सामने, हमारे ही घर में। आज भी गूंजती है उसकी मौत की आखिरी आवाज। माया को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अभिमन्यु। प्रवीण को मारा है उसने, मुझे माया की मौत का शांति पाठ सुनना है। और दूसरी शर्त? वसीयत। बहुत हो चुका खेल तमाशा, वो मेरे हाथों में चाहिए। कागज के टुकड़ों पर उम्र के साल लिखने की आदत नहीं है तुम्हारे बाबा को अभिमन्यु। बहुत सोच समझ के बिसात बिछाई है बाबा, माया की मौत और वसीयत।
वो बिसात ही क्या जो सोच के ना बिछाई जाए। मैं तैयार हूं, आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। चलता हूं। आशीर्वाद नहीं लोगे? विजयी भाव। देवी देवताओं को अपनी छाया से दूर रखो। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। क्या बात है बाबू, तू बहुत परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, वो आरती की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि फुल्लो रानी है। वैसे मैं तेरे पास ही आने वाली थी ये कहने के लिए कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसे करने की हिम्मत किसी ने दिखाई है तो वो है तू। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है, आदमी को उसकी औकात पता ही होनी चाहिए। बहुत उड़ती फिर रही थी ना हमारी फुल्लो रानी, पर तूने उसे उसकी जगह दिखाई दी। अभी तो देखती जाइए माँ जी, आगे मैं और क्या क्या करती हूँ। वाह 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 वाह, जितनी भोली मेरी बहू दिखती है उतनी है नहीं, पर एक बात कहूं, तूने भी उसे ना सर पे बहुत चढ़ा रखा था। जानती हूं, सरपंच बनने के लिए मैंने ही उसे मनाया था। अनपढ़ अंगूठा छाप को पढ़ना लिखना मैंने ही सिखाया था। ना विश्वास करती थी मैं उस पर, ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ी बहन हो जिसके साथ मैं ससुराल में रह रही हूं। तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। कहिए। पूरे बड़े घर की एक एक चीज को कस के पकड़ ले और पता कर वसीयत कहाँ है। कैसा बना है वो? कागज कलम दे। क्यों, उसका क्या करोगे? कुछ नहीं, तुझे खाने के रामायण लिख के दूंगा। कैसा परोसा है, कैसा बना है, कितना खाऊंगा,
अरे अब चैन से खाने देगी या नहीं? महाराज ने बनाया है, जैसे बनाता है वैसे बना है। ये खाना मैंने बनाया है और अब से अपने परिवार के लिए मैं ही खाना बनाऊंगी रोज। क्या तू बनाएगी? क्यों, महाराज को नैनीताल भेज दिया नौका बिहार के लिए? घर के माहौल का तो आपको पता ही है, मैं अब और नहीं सह सकती। आपके और अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की रसोई तो मैं खुद बना ही सकती हूँ। मैंने अपनी रसोई अलग कर ली है। क्या बोली तू? क्या बोली मैं? नहीं, वो बड़े साहब। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ना तो वो आदमी प्रोफेसर साहब है और ना ही उसका दिमाग खराब हुआ है। मतलब तेरे हिसाब से वो बड़े साहब है? हाँ,